नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मोबाइल डेयरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप रेट चार्ट कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप रेट कार्ड, यहाँ पे गाय और भैंस दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। जिस जैसे कि पहले हम गाय का दर सेट करेंगे। सेट करने के लिए बदले पर क्लिक करें। यहाँ पे तीन प्रकार के दरपत्रक आप सेट कर सकते हो। एक तो एक्सेल फाइल से सीधा सीधा अपलोड कर सकते हो जो भी आपका रेट चार्ट है वो। इसके बाद आप प्रति किलो की दर जो होती है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है प्रति फैट SNA पॉइंट से बढ़ाए, मतलब आपका जो रेट होता है वो पर SNA पॉइंट से बढ़ता जाता है। जैसे कि 3.5 के आगे 10 पैसे से बढ़ता है, फिर 5.0 के आगे 20 पैसे से बढ़ता है, इस प्रकार। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सबसे इजी वाला, आसान वाला तरीका जो होता है प्रति किलो की दर से। तो आपको यहाँ पे बस बताना है कि आपका फैट जो है उसका प्रति किलो कितना अमाउंट है। जैसे फैट स्टेप के आगे प्लस बटन है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कितने फैट से लेकर कितने फैट तक आपको वो दर अप्लाई करना है। जैसे कि गाय का है तो मुझे यहाँ से 2.5 से लेके 5.0 तक 280 रुपये पर केजी के हिसाब से SNF लगाना है। ये मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे। अभी इसी प्रकार आपको SNF का रेट भी सेट करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। SNF है मेरा 8.0 से लेके 9.0 तक, और रेट होता है उसका बस 180। यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका रेट चार्ट रेडी हो गया है। आपको यहाँ पे बस चेक करना है 3.2, 3.5 और 8.5, आपका 25 रुपये 10 पैसे रेट आ गया। जो भी आपका पर केजी का रेट रहेगा यहाँ पे वो आपको दिखाई देगा जो आपने डालना है। जैसे कि आपसे कुछ गलती हो गई और आपको वो गलती सुधारनी है, तो इसके आगे देखिए ये क्रॉस का बटन है, इसको आप क्लिक करके वो स्टेप हटा सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया और वो स्टेप हटा दी मैंने। वापस से उस स्टेप के फैट स्टेप के आगे, फैट स्टेप के आगे प्लस बटन पे क्लिक करना है और डालना है 2.5 से लेके 5.0 तक 280 रुपये का रेट है मेरा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपका दरपत्रक सेट हो गया, यहाँ पे आपका रेट चार्ट सेट हो गया है। अगर आपको किसी पॉइंट के आगे पेनल्टी या फिर बोनस देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि मुझे बोनस देना है 3.5 फैट के आगे 50 पैसे का बोनस देना है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 3.5 के आगे 5.0 तक मुझे 1 रुपये का बोनस देना है। ये है बोनस, ठीक है, मैंने ठीक कर दिया। देखिए देखो 3.5 जो है उसके आगे आपका 1 रुपये का बोनस यहाँ पे अपने आप बढ़ गया है। ये देखिए इसके आगे आपका बोनस यहाँ पे बढ़ गया है। तो जो भी आप बोनस देना चाहते हो वो ये यहाँ पे दे सकते हो। आप इसी बोनस को आप एज ए पेनल्टी भी लगा सकते हो। बस यहाँ पे हम लोगों ने पेनल्टी बोनस सिलेक्ट किया था, वहाँ पे आपको पेनल्टी सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, ये दंड के स्वरूप में, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका ये दरपत्रक सेट हो गया है। आप पूरा चेक कर लीजिए, जब आपका फाइनल हो जाएगा पूरा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो बटन है ये वाला, इस पर आपको सेव कर देना है। आपको पूछेगा हाँ सेट करना है। ये देखिए आपका जो भी रेट चार्ट है वो यहाँ पे सेट हो गया है। इसी प्रकार आप भैंस का भी रेट चार्ट सेट कर सकते हैं। सेम करना है आपको, भैंस पे क्लिक करना है यहाँ पे आगे, जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर बदले पे क्लिक करना है। जैसे आपने चेंज कर लिया, आपको प्रति किलो फैट की दर से सेट करना है। जो भी आपका रेट है वो यहाँ पे डाल के आपको सेव कर देना है, जैसे आपने गाय का सेव किया। ये होगा दोस्तों एक तरीका रेट चार्ट सेट करने का। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, जो है कि आप सीधे सीधा आपका एक्सेल फाइल जो है, अगर आपका रेट चार्ट सेट नहीं कर पाते हो आप किसी भी तरीके से, या फिर रेट चार्ट नहीं होता है आपका कस्टम, या फिर आपने बनाया हुआ रेट चार्ट है, तो उसको आपको बस एक्सेल फाइल में डालना है। मैं आपको पहले एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ कि आपको एक्सेल फाइल कैसे बनानी है। तो एक फाइल, एक्सेल फाइल मैंने आपको सैम्पल के लिए बना के रखी है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। लोकल में डाउनलोड, देखिए ये हमारा रेट चार्ट का फाइल है दोस्तों। इसको गौर से देखना, आपका जो पहला रो होता है एक,
यहाँ से आपका, आपको यहाँ पे डालना है SNF, और आपका कॉलम जो होता है ए, इसके अंदर आपको डालना है फैट। अगर आपका फैट और SNF से है तो, अगर आपका फैट और CLR से है तो आपको यहाँ पे डालना है फैट, और ये जो रो है आपका यहाँ पे डालना है आपको CLR, मतलब 30, 30.5, 20, 25 पॉइंट, जो भी आपका CLR का रेट है यहाँ पे। इस प्रकार आपको रेट चार्ट डालना है। यहाँ पे आप खाली रख सकते हो या फिर आप फैट SNF, फैट CLR कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे कि आप देख सकते हो कि नीचे आपका पूरा रेट चार्ट है यहाँ पे, देखिए 25 तक। एक्स्ट्रा कोई भी रो या एक्स्ट्रा कोई भी कॉलम नहीं रखना है आपको, ये पूरा पूरा की पूरा आगे के कॉलम डिलीट कर देने हैं, यहाँ तक ही रखना है। जैसे ये रेट चार्ट जो है मेरा, ये 7 से लेके चालू होता है 9-0 तक, और मेरा फैट चालू होता है 2-8 से लेके 5-0 तक। तो ये जो है दोस्तों, ये काऊ का रेट चार्ट है। इसको मैं आपको अभी सेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैंने कंप्यूटर से बनाया था, मोबाइल में भी आप बना सकते हो अगर आपको आता है तो। कंप्यूटर से डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलता हूँ मैं दोस्तों मोबाइल डेरी में। आपको बस गाय सिलेक्ट करना है, बदले पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आप एक्सेल फाइल पे क्लिक कीजिए, फिर एक्सेल फाइल के आगे टैप करें। आपको इस ब्राउज़र में आपकी जो भी फाइल आपने डाउनलोड करी है वो आपको यहाँ से ब्राउज़ करनी है, यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये जो फाइल है मेरी, ये मैंने डाउनलोड करके रखी थी, अभी मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए इसने आपकी पूरी फाइल रीड करके आपको यहाँ पे पूरा रेट चार्ट दे दिया है। अगर आपकी फाइल पूरी सही रहेगी तो पूरी तरीके से रेंडर हो जाएगी, यहाँ पे आपको पूरा रेट चार्ट दिख जाएगा। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है आपको फाइल एक्सेल फाइल अपलोड करने में, तो आपको बस फाइल चेक करनी है उसके कॉलम सही से बने हुए हैं या फिर उसमें कहीं एक्स्ट्रा रो तो नहीं है, एक्स्ट्रा कॉलम तो नहीं है, नहीं डाले हुए आपने, वो बस चेक करना है। अगर सब सही रहेगा तो सब सही सही ठीक यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो भी आपकी फ़ाइल आपने यहाँ पर चढ़ाई है वो दिखाई देगी, अब तक सेव नहीं हुई है, फाइनल नहीं हुई है, आप यहाँ पर देख लेना। जब देख के फाइनल हो जाएगा आपका तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं। ये मैंने अभी सेव कर दिया। आपको पूछेगा हाँ, अभी ये सेव कर रहा है। सर आपका रेट चार्ट पूरा यहाँ पे सेट हो गया है दोस्तों। ये बताया मैंने आपको दूसरा तरीका एक्सेल फाइल का। सबसे पहले मैंने बताया था आपका रेट पर केजी के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, दूसरा तरीका बताया मैंने एक्सेल फाइल का, और तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों वो आसान तरीका होता है, बट उसमें थोड़े से कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस निकालने की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि आपको हर पॉइंट के आगे कितने पॉइंट से आपके पैसे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, बदले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रति फैट SNF पॉइंट की पॉइंट से बढ़ाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो शुरू की रकम होती है, जैसे आप अभी आप गाय का दर पत्र गाय का रेट चार्ट सेट कर रहे हैं, सही है। तो गाय का रेट चार्ट जब आप सेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शुरुआती रकम पूछा जाएगा। शुरुआती रकम 0-0 होती है। शुरुआती रकम ये होती है कि आपका मिनिमम फैट क्या होता है, मतलब आप कम से कम कितना फ़ैट लेते हो। जैसे कि गाय के लिए जो है वो कम से कम फ़ैट 2.5 से चालू होता है, और SNF जो होता है वो कम से कम 7.5 से कुछ लोग चालू कर लेते हैं, कुछ लोग 3-0 से लेके भी फैट चालू करते हैं, और SNF 7-0 से भी या फिर 8-0 से भी चालू करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि आपको कम से कम फैट और कम से कम SNF कितना लेना है। तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि चलिए हमारा कम से कम फैट जो होता है, कम से कम फैट होता है हमारा 3-0, और कम से कम SNF होता है हमारा 8-0। तो 8-0 और 3-0 को जो भी आपका रेट आता है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि आता है मेरा 17 रुपये, तो शुरुआती रकम हो गई मेरी 17, ठीक है। तो मेरा शुरुआती फैट था 3-0, शुरुआती SNF था 8-0। अभी मुझे फैट की स्टेप्स ऐड करनी है, मतलब कौन से फैट से लेके कितने पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं ये बटन दबाता हूँ और फैट स्टेप ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फैट स्टेप जो है वो मेरी 3-0 से चालू होती है, इसलिए मुझे 3.0 करने हैं, और 3-0 के आगे मेरे कितने पैसे बढ़ते हैं, तो मेरे 3-0 के आगे बढ़ते हैं 10 पैसे प्रति पॉइंट, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार मेरा अगला स्टेप 10 पैसे जो है वो 10 पैसे 3.5 फैट तक बढ़ते हैं, ठीक है। 3.5 फैट तक बढ़ते हैं, और 3.5 जो फैट है उसके बाद मेरे पैसे बढ़ते हैं 20 पैसे प्रति पॉइंट। तो मैं इसको लिखता हूँ 0.20,
गौर करना दोस्तों, 3.5 के आगे बढ़ते हैं इसीलिए मुझे 3.5 डालना है और ओके कर देना। जो भी मेरा 3.5 के आगे 20 पैसे बढ़ते हैं, तो गाय की फैट होता ही होती है हमारे तकरीबन 5.50 तक, कुछ लोग 5.5 भी रखते हैं, तो मैं यहाँ पे 5.0 कंसिडर करता हूँ। ये प्लस बटन पे वापस मैंने क्लिक करा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बाल डाल देता हूँ 5.0। अभी 5.0 के आगे हमें कोई भी पॉइंट बढ़ाना नहीं है, बस वहाँ पे ख़त्म करना है, तो मैं स्टेप अप रकम में डाल देता हूँ बस 0। ये हो गए मेरा फैट के स्टेप। अभी इसी प्रकार दोस्तों मुझे SNF के स्टेप डालने हैं। SNF स्टेप के आगे प्लस का बटन है मेरा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरा SNF स्टेप आता है 8.0 से चालू होता है, और उसके बाद हर SNF के लिए 20 पैसे मेरे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 0.20 डाल देता हूँ और मैं ठीक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8.0 का उसने SNF डाल दिया। अभी मैं और एक स्टेप ऐड कर देता हूँ SNF स्टेप की, जो मेरे 8.5 तक, 8.5 के आगे मेरा 10 पैसा बढ़ने वाला है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जो मेरे 20 पैसे थे वो मेरे 8.5 तक बढ़े, और 8.5 के आगे मेरे 10 पैसे बढ़ने वाले, तो मैंने यहाँ पे 10 पैसे डाल दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका रेट चार्ट सेट हो गया सर, 8.0 से लेके 5.0 तक, 3.0 से लेके 5.0 तक, ये आपके रेट चार्ट सेट हो गया। अगर आपको 9.0 तक लेना है, वापस आप एक प्लस दबा सकते हो 9.0, उसके आगे आपका रेट कुछ नहीं बढ़ता है, तो आप 0 डाल के ठीक कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आपका रेट चार्ट यहाँ पे वापस से बन गया, 9.0 से लेके 9.0 से लेके फैट आती है 5.0 तक, मतलब आपका रेट चार्ट होता है 3.0 से लेके 5.0 तक, और 8.0 से लेके 9.0 तक, और आपका 3.5 8.5 जो होता है, 3.5 और 8.5 को रेट आ जाता है आपका 18 रुपये। तो सपोज अगर इस रेट में आपको ऐसा लगता है कि ये रेट कम आ गया हुआ है, यहाँ पे 19.50 होने चाहिए थे, तो कुछ आपको बस ये करना है, शुरुआती रकम जो होती है आपकी 3.8.50 जो है, इसमें आपको अगर चाहिए था कि ये 20.50 आना चाहिए था, तो 20.50 और 18.15 में कितना डिफरेंस है, 2 रुपये का। तो 2 रुपये हमें यहाँ पे बढ़ाने, तो 17 की जगह पे हमें यहाँ पे करने हैं 19 रुपये। ठीक है, 19 रुपये, देखिए यहाँ पे 19.20.50 हो गया है। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ से शुरुआती रकम एडजस्ट कर सकते हो, जब भी आपका रेट चेंज होता है तो आप यहाँ पे शुरुआती रकम चेंज कर सकते हो, कि जैसे मुझे अभी यहाँ पे 25 चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे कर देता हूँ 22, 23.50 आ गया, 2 रुपये, 1.5 रुपये का भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 23.5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25 रुपये का रेट हो गया। तो 3.5 8.5 आपका 25 रुपये का रेट हो गया। आपने यहाँ पे स्टेप, अगर कोई भी स्टेप आपको गलत लगती है तो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, एक एक स्टेप यहाँ से गायब होती जाएगी। देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये चली गई, वापस से मैं ऐड कर सकता हूँ प्लस बटन पर क्लिक करके 5.00। ठीक है, आपका रेट चार्ट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आप कंफर्म कर लेते हो आपका रेट चार्ट सेव हो गया, सब सही है, आपको सही लग रहा है, तो आपको यहाँ पे बस सेव का बटन दबा देना है एक बार। आपका रेट चार्ट यहाँ पे पूरा सेट हो गया। तो दोस्तों ये था रेट चार्ट सेट करने का तरीका, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको जाना है रेट चार्ट सेट करने के लिए, रेट चार्ट में गाय और भैंस आपको जिसका भी रेट चार्ट सेट करना है उसमें जाना है, बदले में जाना है, कौन से टाइप का आपका रेट चार्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। एक्सेल फाइल है तो आपको यहाँ एक्सेल फाइल सिलेक्ट करनी है, अगर आपका रेट पर केजी होता है तो रेट पर केजी सिलेक्ट करना है, या फिर आपको प्रति पॉइंट हिसाब से बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी आपका पुराना रेट चार्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।